दोस्तों अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और इसके अंदर आपको एक बैंक अकाउंट के लिए मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है पता नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और लॉग इन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आप आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई आईडी मिल जाएगा, बैंक ट्रांसफर रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, नीचे रिचार्ज और बिल पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करना है, प्रोफाइल ऑप्शन में आपको जाना है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किए हैं वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जिस भी बैंक के लिए आपको मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करना है वो बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंडसइंड बैंक अभी ओपन कर लेता हूँ। और बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 3 यूपीआई आईडी जो है मेरे इस इंडसइंड बैंक के लिए क्रिएटेड है, बट और 3 यूपीआई आईडी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करने का फायदा यह है कि अगर कोई यूपीआई आईडी नहीं चलता है पेमेंट करने के टाइम पे तो किसी दूसरे यूपीआई आईडी से भी आप पेमेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर बैंक के लिए, तो ये काफी अच्छी चीज है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अब देखो एक्टिवेट करने के लिए जो अवेलेबल है उनके सामने आपको प्लस वाले ऑप्शन मिल जाएंगे और जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है उनके सामने आपको इस तरह से डिलीट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे @AXL के लिए हम लोग यहाँ पे अभी प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, टैप करेंगे। नेक्स्ट पेज पे कोई भी प्रिफर्ड ऑप्शन आपको चाहिए होगा यूपीआई आईडी के लिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे अवेलेबल का ग्रीन कलर का साइन आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नॉट अवेलेबल करके आ जाएगा। तो आपको जो चाहिए वो आईडी आप एंटर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक आईडी जो है मैंने एंटर कर दिया है और वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं इस नई यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकता हूँ। तो होने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे टैप कीजिए, जैसे एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो @AXL वाला जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और बाय डिफॉल्ट जो बाकी के दो थे उनके सामने एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया है। अभी तक ये एक्टिव नहीं हुए, अभी जो है हमने 4 यूपीआई आईडीज जो है एक्टिवेट कर लिए हैं। अब ये बाकी के भी आपको करने होंगे तो एक्टिवेट पे टैप कीजिए और आप नए यूपीआई आईडीज क्रिएट कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही सिंपल तरीका है फोन पे एप्लीकेशन में मल्टीपल यूपीआई आईडीज क्रिएट करने का। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।